यार हड्डी बढ़ता है तो हड्डी बढ़ाने के लिए जो चाहिए उसको करो ना, खींच के क्या फायदा। अगर ज्यादा खींच देंगे फिर आपका हड्डी टूट के निकल जाएगा, ज्यादा खींचने का जरूरत नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन विद अ फ्रेश न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बताना आप सभी कैसे हो। एंड यार ये वीडियो बनाने का जो मोटिवेशन है आपसे आता है, बिकॉज आप यार मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करके रखते हैं। हाइट बढ़ाना है यार, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं है। एंड आप में से कोई भी बच्चा नहीं है, आपको पता है आप में से कोई भी बच्चा नहीं है। सबके अंदर यार भगवान ने एक चीज डाला है, वो हिम्मत, जुनून। हाथ पर देके भेजा भगवान ने आपको, ब्रेन देके भेजा है, आंख देके भेजा है, आपको सोचने समझने का शक्ति देके भेजा है। तो इसका यूज करो एंड अपना हिम्मत दिखाओ। आज या कल आप ये रियलाइज जरूर करेंगे कि यार हमें कुछ करना चाहिए। एंड ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो हाइट बढ़ाना चाहते हैं, जो हाइट बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पे एकाध लोग कमेंट करेंगे, हाइट मैटर नहीं करता। आप सचिन तेंदुलकर को देख लो, आप आमिर खान को देख लो, यार हर कोई सचिन तेंदुलकर नहीं होता है, हर कोई आमिर खान नहीं होता है, ठीक है, हर कोई लता मंगेशकर नहीं होता है। तो आप किसी को किसी और से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सब में एक अलग काबिलियत होता है और सबका एक अलग ड्रीम होता है। जैसे कि मुझे वेट ट्रेनिंग करना बहुत पसंद है, मुझे जिम करना बहुत पसंद है, मुझे फ्रूट्स खाना बहुत पसंद है। मे भी आपको फ्रूट्स खाना पसंद नहीं भी हो सकता है। तो अगर आपको पसंद नहीं है, क्या मैं पसंद करवा सकता हूँ? तो अगर किसी को हाइट बढ़ाना है तो उसको हाइट पसंद है तो क्यों नहीं ट्राई करेगा हाइट बढ़ाने के लिए? वो हाइट बढ़ाने के लिए ट्राई करेगा ना, बिकॉज उसका भी ड्रीम है कि वो अपना हाइट बढ़ाए। तो आप इसमें दखल अंदाजी देने के लिए कोई नहीं होते, बिकॉज वो उसका पर्सनल लाइफ है। अगर आपको हाइट बढ़ाने का मन नहीं है, मैं आपको जोर जबरदस्ती बोलते रहूंगा यार हाइट बढ़ाओ हाइट बढ़ाओ हाइट बढ़ाओ, तुम्हारा हाइट बहुत छोटा है, होगा, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें। तो जिनको इंटरेस्ट है उनको इस वीडियो को लास्ट तक देखना चाहिए। एंड आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं यार जो 99% लोग करना नहीं चाहते हैं, समझना नहीं चाहते हैं, बिकॉज यार दिमाग में कुछ और फिट हो चुका है। स्ट्रेचिंग एंड हैंगिंग, ये स्ट्रेचिंग एंड हैंगिंग का भूत जब तक आप नहीं निकालेंगे, हाइट बढ़ाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। एंड आप हमेशा यही कहते रहेंगे, हाइट इज ऑल अबाउट जेनेटिक्स। स्ट्रेचिंग बहुत अच्छा चीज़ है, मैं एक बार भी नहीं कह रहा हूँ स्ट्रेचिंग खराब है, हैंगिंग खराब है। बट यार 15 मिनट स्ट्रेचिंग करना और 15 मिनट हैंगिंग करना आपका हाइट को नहीं बढ़ा सकता है, आपका हाइट को नहीं बढ़ा सकता है। उससे पहले आप सभी कहना चाहता हूं, अगर आप हाइट बढ़ाना चाहते हैं देन आप मेरा पर्सनल ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो। एंड ये पर्सनल ट्रेनिंग टोटली पेड है, पैसा लगता है, चार्जेस बहुत ही लो रखे हैं ताकि आपको हाइट बढ़ाने में दिक्कत ना हो। मेरे तरफ से जितना हो सके मैं आपको हेल्प करूंगा, ठीक है, मैं आपके साथ खड़े रहूंगा। आपको डाइट में दिक्कत नहीं होना चाहिए कि कैसा डाइट लेना है, कैसा वर्कआउट करना है, तो मैं आपको डाइट प्लान वर्कआउट प्लान प्रोवाइड करूंगा। साथ में वर्कआउट प्लान को अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्रेस चेंज करता रहूंगा कि हाँ अब वर्कआउट प्लान को चेंज करना जरूरी, बिकॉज एक ही वर्कआउट का अगर आप करते रहेंगे लॉन्ग टाइम तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। एंड वही गलती आप लोग करते हैं, आप लोग स्ट्रेचिंग हैंगिंग करते रह जाते हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, फिर बाद में आप कहते हैं स्ट्रेचिंग एंड हैंगिंग मैंने किया, मैंने एक्सरसाइज किया, हाइट इज ऑल अबाउट जेनेटिक्स। तो यार हाइट इज ऑल अबाउट जेनेटिक्स नहीं है, हाइट इज ऑल अबाउट योर डाइट न्यूट्रिशन लाइफस्टाइल एंड यस जेनेटिक पोटेंशियल। सबका एक जेनेटिक पोटेंशियल होता है। तो अगर आप लोग पर्सनल ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हो आप इस मेल आईडी पे जरूर कॉन्टैक्ट करना। एंड यहाँ पर आपको चार्जेस दिख रहा है कितना लो है, आप इजिली अफोर्ड कर सकते हैं। हाइट बढ़ाने का ये तरीका यार कोई समझना नहीं चाहता जो आज मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। आप लोग बस एक ही चीज समझते हैं, स्ट्रेचिंग एंड हैंगिंग। सर मैं इतने से स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ, मैं ऐसा ऐसा स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ,
मैं डेली 15 मिनट लटकता हूँ, 4 महीना हो गया, 5 महीना हो गया, यार फिर भी मेरा हाइट नहीं बढ़ा। यार ऐसे हाइट नहीं बढ़ेगा। आपको सबसे पहले हाइट बढ़ने का जो बेस है उसको समझना पड़ेगा कि हाइट बढ़ता कैसे है। एंड अगर आप इस चीज़ को समझ लेंगे कि हाइट बढ़ता कैसे है, फिर मुझे भी आपको टिप्स देना नहीं पड़ेगा, आप खुद अपना रास्ता निकाल लेंगे कि हाइट कैसे बढ़ता है, कारण क्या होता है। तो देखो, बिफोर प्यूबर्टी आपका हाइट बहुत आस्ते आस्ते बढ़ता है, बहुत आस्ते आस्ते, लेकिन जैसे ही कोई प्यूबर्टी हिट करता है, एक छोटा बच्चा से यह तुरंत लंबा हो जाता है और एडल्ट जैसे दिखता है। तो ऐसा होता क्यों है? बॉडी में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज करना, पहले उतना ज़्यादा रिलीज नहीं करता था, लेकिन जैसे आपने प्यूबर्टी हिट किया, आपका बॉडी 3 गुना 4 गुना ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर रहा है, जिसके कारण से आपका हाइट अचानक बढ़ जाता है। एंड इसको हम लोग कहते हैं ग्रोथ स्पर्ट। पर क्या होता है, किसी किसी का बॉडी में यार उतना ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं कर पाता है, ठीक है, जितना रिलीज होना चाहिए उतना रिलीज नहीं कर पाता है। एंड इसीलिए आपका हाइट यार 5 से 7 इंच या 10 इंच कम रहता है, जितना बढ़ना चाहिए उतना बढ़ता नहीं है। फिर आप बाद में यार बहुत ज़्यादा चिंता में आ जाते हो कि हाइट बढ़ा क्यों नहीं। एंड हाइट इंक्रीज करना तभी पॉसिबल है जब आपका ग्रोथ प्लेट्स ओपन है, ठीक है। एंड हमारा ग्रोथ प्लेट्स यार 25 साल तक खुला रहता है, कुछ कुछ ग्रोथ प्लेट्स पहले क्लोज हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ ग्रोथ प्लेट्स यार खुले रहता है, जैसे बैकबोन का जो ग्रोथ प्लेट रहता है यार, ये बहुत लेट में क्लोज होता है। एंड मैंने खुद ये नोटिस किया था कि जब मेरा एज यार 21 था ना, 21-22 कुछ ऐसा था, तो उस टाइम मेरा हाइट यार बहुत आस्ते आस्ते बढ़ रहा था। कोई कोई कहता था कि यार आपका हाइट पहले से और ज़्यादा बढ़ गया, पहले से और ज़्यादा बढ़ गया, बिकॉज बैकबोन का जो ग्रोथ प्लेट था वो ओपन था। एंड मैंने उस टाइम भी अपना हाइट यार 1 इंच या 2 इंच बढ़ाया था। तो अगर किसी का एज 21 साल है, 22 साल है, या 23, 24, 25 साल है, तो मे बी यार आपका बैकबोन का ग्रोथ प्लेट्स अभी भी ओपन है। एंड आपको अभी भी ट्राई करना चाहिए अपनी हाइट बढ़ाने के लिए। आप 1 से 2 इंच या 3-4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर आप अपना हाइट बढ़ा सकते हो, जितना भी बढ़ा ये यार आपका फ्रेम में यार अगर ऐड हो जाए ना, तो आपका बॉडी कुछ अलग ही लगता है। अगर आपका हाइट यहाँ तक है, सपोज मेरा हाइट यहाँ तक है, थोड़ा बढ़ जाता तो फिर भी यार हाइट बहुत ज़्यादा लगता है यार कि इसका हाइट कितना बढ़ गया, पहले तो इतना था नहीं। एंड आप अच्छा दिखेंगे, तो ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। एंड जो भी मैं आपको बताता हूँ दैट इज़ टोटली हेल्दी। एंड चाहे आपको हाइट बढ़ाना हो नहीं बढ़ाना हो, ये यार आपका फिटनेस को चेंज कर देता है, आप अलग लगेंगे, आप दूसरों से अलग लगेंगे अगर आप मेरा टिप्स को फॉलो करेंगे। तो आपको मेरा टिप्स को फॉलो करना चाहिए। एंड यार बहुत ज़्यादा यार मैं सच बताऊँ यार बहुत ज़्यादा अलग लाइन में चल जा रहा हूँ, जब मैं किसी को समझाना चाहता हूँ ना तो यार बहुत ज़्यादा समझा देता हूँ, ठीक है, तो टॉपिक से मैं डिवीड हो जाता हूँ उसके बाद। तो अभी यार टॉपिक में रहना है, टॉपिक से बाहर नहीं जाना है। तो हाइट बढ़ाने का कौन सा तरीका, दैट इज वेट ट्रेनिंग, इसको समझो। वीडियो को एंड मतलब छोड़ के मत जाना, इसको समझ लो कि वेट ट्रेनिंग क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आपका दिमाग में जो बैठा हुआ है वेट, ऐसे अगर उठाएंगे तो उसका आपका हाइट दब जाएगा। यार हड्डी ग्रो करता है, आपका हड्डी ग्रो होता है, अगर खींचने से अगर हाइट बढ़ जाता है तो स्ट्रेचिंग करने से आपका हाइट कब का बढ़ जाता है, हैंगिंग करने से आपका हाइट कब का बढ़ जाता है। यार हड्डी बढ़ता है, तो हड्डी बढ़ाने के लिए जो चाहिए उसको करो ना, खींच के क्या फ़ायदा, अगर ज़्यादा खींच देंगे फिर आपका हड्डी यार टूट के निकल जाएगा, ज़्यादा खींचने का जरूरत नहीं है, खींच के आपका हाइट नहीं बढ़ जाएगा। हाँ, वेट ट्रेनिंग करने से पहले मैं आपको जरूर सजेस्ट करूँगा कि आप स्ट्रेचिंग कर ले 5 से 10 मिनट, उससे आपको इंजरी नहीं होगा और आपका बोन्स के बीच में यार एक गैप बनेगा, ठीक है। तो जब आप वेट ट्रेनिंग करेंगे आपके बॉडी में ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा, जब आप अच्छा डाइट लेंगे तो आपका हड्डी बढ़ने का जगह रहेगा, हड्डी बढ़ पाएगा, ठीक है, वेट ट्रेनिंग करने से ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगा। आपका हड्डी के बीच में गैप है, ठीक है, आपने प्रॉपर स्ट्रेचिंग किया है, आपका बॉडी पूरा खुल चुका है, ठीक है, फिर आपका बॉडी में यार ग्रोथ हार्मोन ही नहीं है, आपका डाइट सही नहीं है, तो खुल के क्या फायदा, आपका बॉडी तो ग्रो कर ही नहीं पाएगा, बिकॉज आपका बॉडी में न्यूट्रिशन ही नहीं जा रहा है, प्रोटीन नहीं जा रहा है, ग्रोथ हार्मोन की कमी है। तो ग्रोथ हार्मोन कैसे बढ़ता है, अब ये समझ लो, ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है वेट ट्रेनिंग करने से। एक ऐसा एक्सरसाइज जो ग्रोथ हार्मोन को सबसे ज्यादा बूस्ट करता है, दैट इज यार वेट ट्रेनिंग।
उसके बाद जो मैं सेकंड में रखूंगा, लेकिन वेट ट्रेनिंग का ये आधा है, अगर वेट ट्रेनिंग 100% है तो ये उसका आधा है, दैट इज स्प्रिंटिंग। उसके बाद आप स्किपिंग, स्पोर्ट्स, कुछ भी खेल सकते हो, लेकिन जिससे आपको 100% मिल रहा है उसको आप डेली 45 मिनट से एक घंटा करो। एंड जैसे स्प्रिंटिंग हो गया, स्किपिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, इसको 5 से 10 मिनट करो डेली, अपना एक्टिविटी में डालो, करो उसको, मैं मना नहीं कर रहा हूं। हैंगिंग भी करो, स्ट्रेचिंग भी करो, लेकिन वेट ट्रेनिंग का जरूर करो। वेट ट्रेनिंग करने से आपका बॉडी ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, एंड यही तो हमें चाहिए। ऐसा ऐसा फूड्स खाओ जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, पीनट बटर, आलमंड, एग योक्स, अंडा खाओ, बहुत अच्छा चीज होता है, ठीक है, ये ग्रोथ हार्मोन को अप करने में बहुत हेल्प करता है। फिर अपना डाइट में जिंक, कैल्शियम, फिर यार मल्टीविटामिन एक सप्लीमेंट ऐड करो, फिर विटामिन डी। विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? सनलाइट। सनलाइट लेने से आपका बॉडी में ग्रोथ हार्मोन बहुत रिलीज करता है। एक आदमी जो सनलाइट नहीं लेता हो एंड एक आदमी जो सनलाइट लेता हो ना, दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर आप अपना ग्रोइंग फेज में ये छोटे छोटे चीज़ का ध्यान रखो यार, फिर आपको उतना ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। वेट ट्रेनिंग साथ में प्रॉपर डाइट एंड एक्सरसाइज, ये आपको हेल्प करेगा। साथ में आप लोग स्ट्रेचिंग को भी करो, हैंगिंग भी करो, स्विमिंग भी करो, साइकिलिंग भी करो। क्रिकेट खेलना पसंद है, फुटबॉल खेलना पसंद है, खेलो, लेकिन यार एटलीस्ट तो अगर ठीक है 45 मिनट नहीं सके, आधा घंटा तो निकालो वीक में, 5 दिन तो करो, 4 से 5 दिन, 2 दिन आप कुछ और चीज करो, वो भी मेंटेन रहेगा, ये भी मेंटेन रहेगा। एंड ये बहुत बड़ा मिथ है कि वेट ट्रेनिंग करने से आपका हाइट रुक जाएगा। आप बोरा उठा रहे हैं, स्कूल बैग कैरी कर रहे हैं, मार्केट से या सब्जी लेके आ रहे हैं, ठीक है, साइकिल को कभी कभार यहाँ पे उठा रहे हैं, ठीक है, अपना छोटा भाई को गोदी में उठा रहे हैं, वो भी तब वेट उठा रहे हैं। वेट ट्रेनिंग मतलब क्या? वेट उठाना। आप नीचे बैठे हुए हैं, ठीक है, फिर आप उठ रहे हैं, तो आप अपना बॉडी वेट को तो उठा रहे हैं ना, दैट इज ऑल्सो वेट ट्रेनिंग। तो इस चीज को समझो यार, उल्टा सीधा बात करेंगे लॉस आपका है। साइंटिफिकली समझो, साइंटिफिकली, कि हाइट किससे बढ़ता है? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन किससे ज्यादा बूस्ट होता है? कौन सा एक्सरसाइज से, कौन सा फूड से? आप गूगल में रिसर्च करो, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एक्सरसाइज से ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज करता है। वो ट्रेनिंग करेंगे, आपका बॉडी का स्ट्रेस लेवल डाउन रहेगा, ठीक है, आपका बॉडी गुड हार्मोन्स रिलीज करेगा। तो इतना सारा फायदा है, तो आपको जिससे फायदा मिलेगा आप उसको कर नहीं रहे हैं यार। अपना ग्रोइंग पीरियड का फायदा उठाओ, मैं बार बार यही चीज कहना चाहता हूँ, अपना ग्रोइंग पीरियड का फायदा उठाओ, वरना यार आपको बाद में पछताना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट एक जबरदस्त वीडियो के साथ, अंटिल, प्लीज बाय, टेक केयर, लव यू।